फिजिक्स में हम चैप्टर सिक्स कर रहे थे, चैप्टर सिक्स की हमने, अब हम फिजिक्स कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की फिजिक्स। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स में चैप्टर सिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर सिक्स की हमने एक्सरसाइज कर ली थी पूरी। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का हम चैप्टर सिक्स के हमने एमसीक्यूज कर लिए थे ना सारे, अब इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सेक्शन बी में हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, डिटरमिन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द दिस अर्बन एंड स्टैंडिंग डिस्टेंस। आइए सेक्शन बी में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, बाकी सब थ्योरी आपको न्यूमेरिकल करो। क्वेश्चन नंबर फोर आपको न्यूमेरिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर कर रहे हैं हम, इसको पकड़ो यहाँ से मेरे कुछ ही रखो इसके ऊपर। अब हम ये कर रहे हैं चैप्टर सिक्स का फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर, सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर करें, क्योंकि बाकी क्वेश्चन वन टू थ्री सब आपकी थ्योरी है, या आपको क्वेश्चन आंसर है जो याद करना है, क्वेश्चन फोर में आपको न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर फोर का, क्वेश्चन नंबर फोर बोला डिटरमिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या निकालना है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे जारी करते हैं, एफ से जारी करते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ से जारी करते हैं ना, एफ एफ को निकालना है, एफ आपको निकालना है। बिटवीन अरवा एंड आयशा, दो गर्ल्स हैं, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है। स्टैंडिंग एट डिस्टेंस 50 मीटर अपार्ट, दोनों स्टूडेंट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डी दिया हुआ कितना या आर दिया हुआ कितना, 50 मीटर, ठीक है। द मास ऑफ अरवा 60 किलोग्राम, एक स्टूडेंट का मास कितना है एम वन हम ले लें 60 किलोग्राम, दूसरे स्टूडेंट का मास कितना है एम टू उसको ले लेते हैं कितना 70 किलोग्राम। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, बहुत आसान है, हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। कोई दो बॉडी होंगे तो मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया था, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दोनों डिस्टेंस है आर या डी 50 मीटर का, एफ निकालना, फोर्स निकालना, एफ बराबर हो जाएगा जी की वैल्यू कितनी होती है कैपिटल जी वैल्यू 6.67 इन 20 पावर, देखो जी की वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू बताओ 6.67 × 10⁻¹¹, ठीक है। एम वन कितना मास दिया हुआ 60 किलोग्राम, मतलब एम टू मास कितना दिया 70 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय आर, आर कितना डिस्टेंस 50 मीटर, 50 मीटर आर का स्क्वायर हो जाता है 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स बराबर हो जाएगा जी की वैल्यू कितना होती है, अब क्या करोगे इसको अभी छोड़ दो, इनको मल्टीप्लाई 6.67 को मल्टीप्लाई कराएं 60 से, 6.67 को 60 से मल्टीप्लाई कराएं 60, फिर मल्टीप्लाई कराएं 70 से, कितना आ रहा है 280 बस, ठीक है ये आ गया। और 10 की बार माइनस 11 अपनी जगह छोड़ देंगे, ठीक है। 10 की माइनस 11 डिवाइड बाई 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट डिवाइड करा दें, डिवाइड कराएं इसको, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कराएं 2801 डिवाइड बाय 2500, डिवाइड करा देना 11.20, ठीक है। ये इनको डिवाइड करा तो ये आ गया, और 10 की पावर माइनस 11 अपनी जगह मौजूद रहेगी, ये आ गया फोर्स, यानी उन दोनों स्टूडेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। 10 की पावर माइनस 11 का मतलब कितनी कम फोर्स है, माइनस 11 है, कितनी कम फोर्स, यानी माइनस 11 जीरो यहाँ पर लगाओ तब जाके इतनी न्यूटन, तो कितनी दब दिलावे तभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, समझ आ गई बात। ये क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आपका ये आ गया, लिख तो दिया न्यूटन, फोर्स निकाल रहे ना, फोर्स फोर्स यूनिट क्या होती है, क्या क्यों जी एफ फोर्स निकालना है ना, फोर्स की यूनिट यूनिट लिख तो दी, ग्रेविटेशनल फोर्स की भी तो यूनिट वगैरह थी ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वही तो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो निकाली हमने, जी थोड़ी निकालना है, क्या जी निकालनी है थोड़ी, क्या उसने तो मतलब बोला एफ निकालो, एफ निकाल दिया, एफ निकालना है जी की वैल्यू पुट करके, जी की वैल्यू पुट करके एफ निकाल लिया हमने, दो स्टूडेंट थे उनके दरमियान डिस्टेंस इतना था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल ली, समझ आ गई बात। ये हो गया, अब हम क्वेश्चन फाइव में देखो थ्योरी है आपकी, क्वेश्चन फाइव के ए पार्ट बी पार्ट में दोनों थ्योरी, क्वेश्चन सिक्स में ए पार्ट में थ्योरी, क्वेश्चन सिक्स का बी पार्ट में वेट ऑफ फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स का हम कर रहे हैं बी पार्ट, ये भी न्यूमेरिकल है आपका, क्वेश्चन सिक्स का बी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन फाइव में सिर्फ थ्योरी है, क्वेश्चन सिक्स के ए पार्ट में भी थ्योरी है, क्वेश्चन सिक्स के ए पार्ट में थ्योरी है, क्वेश्चन सिक्स का बी पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स का बी पार्ट,
बोला वेट ऑफ रानी 450 न्यूटन, एक स्टूडेंट है उसका वेट कितना दिया हुआ 450 न्यूटन, वेट को डब्ल्यू करते हैं, डब्ल्यू वन इक्वल टू दिया हुआ 450 न्यूटन। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन के सरफेस पर एक स्टूडेंट उसका वेट है 450 न्यूटन, फाइंड हर मास, उसका मास निकालना है, ठीक है, मास आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे बोलो, वेट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, तो वेट कितना दिया हुआ है 450 इज इक्वल टू मास आपको निकालना है, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो मास किसके बराबर हो जाएगा 450, 10 मास से मल्टीप्लाई और होता जाके डिवाइड, 450 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 45, तो 45 मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, तो मास आ गया 45 किलोग्राम, तो स्टूडेंट का मास हो जाएगा 45 किलोग्राम, समझ आ गया। वेट हमको दिया था 450 न्यूटन, मास आपको निकालना था, वेट का फॉर्मूला था डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, तो W हमने लिख दिया 450, मास की जगह M मास हमको निकालना है, G की वैल्यू 10 होती है, मास बराबर हो जाएगा 10 मास से मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 450 डिवाइड बाय 10 45, तो उस स्टूडेंट का मास आ गया 45 किलोग्राम, ठीक है, बी पार्ट भी हो गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ गई बस, ठीक है, अभी बाकी भी इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह करेंगे, बाकी तुम्हारे कल हम इंशाल्लाह करेंगे, अब जो तो आप ट्राई कर लेना आगे कर सको तो कर लेना, तो हम बाकी इंशाल्लाह कम करेंगे।